नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज विशेषकर चर्चा करने जा रहे हैं जो 7 तारीख का जो एग्जाम हुआ था वो कैसा गया, विद्यार्थियों का कितना कटअप जाने वाला है, ये सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम जो बताते हैं आप, ये मेरा रिकॉर्ड है। जो मेरे चैनल पर नए होंगे उनको नहीं मालूम होगा, जो पुराने होंगे उनको पता होगा कि मेरा रिकॉर्ड है कि हम जो भी कटअप बताते हैं वो 100% सटीक और सही रहता है। ठीक है, अब हम भी एग्जाम में बैठने के बाद भी ही बताते हैं दोस्तों। हालांकि 7 तारीख का जो एग्जाम है उसमें मैं नहीं बैठा हूँ, आने वाले कुछ एग्जाम है उसमें मैं बैठूंगा, उसमें भी मैं भी क्वेश्चन देखूंगा, तो उसके बाद हम फाइनली डिसाइड करेंगे। तब तक जो अभी का क्वेश्चन के अनुसार हम बता रहे हैं उसको आप अंत तक सुनिएगा, तभी हम मतलब समझ पाइएगा। इस बार क्या हुआ है कि जो मुन्ना भाई थे, छोटे छोटे गैंग, सॉल्वर गैंग, बड़े बड़े सॉल्वर गैंग, वो सब इंतजार में ही रह गए थे क्योंकि सरकार ने एक ऐसी चाल चली जिस मतलब कहते हैं ना शतरंज की चाल, जो मतलब किसी को पता तक नहीं चला कि ये चाल कैसा हो सकता है। मुन्ना भाई सब नाकामयाब हो गए, जितने भी मुन्ना भाई थे सब नाकामयाब हो गए। आज कल 7 तारीख के लिए जो सरकार मतलब आयोग ने, CSBC आयोग ने जो एडमिट कार्ड जारी किया था उसको मतलब बता दें कि वो 2 लाख के आसपास था, 1,98,000 के आसपास था, जिसमें 65,000 स्टूडेंट के आसपास डाउनलोड नहीं किया, 65,000 बचता है 1.5 लाख। 1.5 लाख में मात्र 65% ही उपस्थिति रहा, 65% ही, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि 1,20,000 के आसपास 65,000 के आसपास जो है स्टूडेंट ने परीक्षा में बैठा। उसमें से भी बता दूं कि जो बहुत स्टूडेंट ऐसे थे जो भाग के भरोसे फॉर्म भरे हुए थे कि कहीं मुन्ना भाई मिल जाए तो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 1,00,000 में मेरा सेटिंग हो जाएगा, वो अपना रुपया जमा करके रखे हुए थे कि कोई जुगाड़ निकल ही जाएगा, फिजिकल कर रहे हैं। अभी भी देखिएगा कि फील्ड में फिजिकल का भीड़ लगा हुआ होगा, आपके यहाँ भी मेरे यहाँ भी सेम कंडीशन, पढ़ने वाला कम दौड़ने वाला ज़्यादा। बिहार पुलिस कहा जाता था कि बिहार पुलिस तो कोई एग्जाम ही नहीं है, पढ़ने वाला तो निकलता नहीं था पढ़ने, और जो नहीं पढ़ने वाला उनका रिजल्ट देखिए वो अभी जॉब में है। आपके नज़र में भी कोई ना कोई लड़का होगा जो उसको आप देखे होंगे कि वो नहीं पढ़ा और वो जॉब में है, आप घर पर बैठे हुए हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला, इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार जो पढ़ने वाला है उसी को वर्दी मिलने वाला है, उसी को राइफल मिलने वाला है, उसी को पिस्टल मिलने वाला है, वही वर्दी पर लगा के थाना में ड्यूटी करेगा। इससे पहले होता था क्या कि आपके पास रुपया है तो वर्दी आपकी एक सिर्फ फिजिकल बना लीजिए, एक सेट तैयार किया जाता था और उस सेट को आयोग से कहीं लीक करा लिया जाता था और उसको याद करवा के विद्यार्थी को भेज दिया जाता था। तो विद्यार्थी क्या करता था, 100 क्वेश्चन याद कर लिया, भर रात में उसको सुबह में रंग के चला आया, उसका रिजल्ट हो जाता था, जिसके कारण कटअप 80-85 के आसपास चला जाता था। आप कोई भी एग्जाम बिहार का देख लीजिए जिसमें 80-85 कटअप नहीं जाता, जिसमें क्वेश्चन आउट होगा उसी का 80-85 जाता है, जिसमें क्वेश्चन आउट हुआ उसी का 80-85 जाता है बिल्कुल, और नहीं तो किसी का नहीं जाता। 60-70 मैं बता दूं कि कुछ जैसे वैकेंसी कम रहती है तो उसका बात अलग है, जैसे 60-65, 100-200 बढ़ती है तो उसका आप तुलना नहीं कर सकते, उसमें कटअप ज़्यादा ही जाएगा। लेकिन ज़्यादा वैकेंसी है 10,000, 8,000, 15,000 तो उसका कटअप आप देख लीजिएगा 60% से 70% के बीच रहती है, बहुत हुआ तो 70-72, उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता जनरल का। इस बार भी वैसा ही होने वाला, ठीक है। अब मैं बता दूं कि अब एक क्वेश्चन को आप सब कह रहा है कि इसको जिला में, इस जिला में रटा गया, इस जिला में रटा गया, इस जिला में मतलब कोई जमुई, कोई भागलपुर, मतलब अन्य जिला, ढेर सारा जिला बता रहे हैं कि वहाँ 100 विद्यार्थी पकड़ाए, वहाँ 50 विद्यार्थी पकड़ाए, तो एक बात जान लीजिए कि वो जितने भी विद्यार्थी हैं सबको बेवकूफ बनाता है सेंटर, नकली प्रश्न पत्र लिख मतलब उसको देके और रटवा रहा, मतलब कहते हैं ना कि सांत्वना के लिए कुछ भी दे दीजिए थोड़ा सा, उसको पता है कि सेट मिलेगा नहीं लेकिन उसको सबको रटवा रहा। इस बार क्या हुआ है कि जितने जिले बने हैं उसके अनुसार जितने जोन वाइज बनाया गया कि किस जोन में कितनी सीट
कौन सी सेट जाएगी। एक सेट रहता था पहले तो सब जगह वही सेट रहता था, क्वेश्चन लिख करने के बाद पूरा एकदम बवाल हो जाता था, सब कुछ व्हाट्सएप पर पहुंच जाता था, वही क्वेश्चन रहता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं, इस बार है कि जोन बना दिया गया, जैसे रेलवे में जोन है उसी तरह जोन बना दिया गया, और उसको क्या किया जोन वाइज अपने कोडिंग के अनुसार भेजा गया। कहाँ से क्वेश्चन लीक हुआ ये भी पता चल जाएगा, किसका किसके किसका पेपर था ये भी पता चल जाएगा, कौन सेंटर से लीक हुआ ये भी पता चल जाएगा, और यहाँ तक कि सीएसबीसी आयोग आर्थिक अपराध इकाई भी एक नंबर जारी किया है, आप लोग नंबर पता कर लीजिएगा, वो नंबर पर आप कॉल करके मैसेज करके बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब बात बता सकते हैं। तो वो एक जितना भी जोन है जोन वाइज बता दिया गया है कि इस जोन में, इस जोन में, इस जोन में सब कुछ, मतलब अंदरूनी रूप से किसी को बताया नहीं जा रहा कि कौन सेट कहाँ जाएगा, उसके अनुसार क्वेश्चन भेजा गया और उसके अनुसार फिर एग्जाम लिया गया। तो बहुत ज़्यादा कटअप इसमें जाने वाली नहीं, पढ़ने वाला का कटअप कभी ज़्यादा नहीं जाता है, देखिए 21,000 के आसपास भर्ती है, बहुत ज़्यादा भर्ती है। और इसमें मैं बता दूँ कि जो जनरल का कटअप रहेगा वो 60 से 65 के बीच रहेगा, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाला, 60 से 65 के बीच रहेगा, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाला, जहाँ तक उससे नीचे ही रहेगा कटअप, उससे ऊपर नहीं जाएगा। और एग्जैक्ट हम कैटेगरी वाइज अभी नहीं बताएंगे, कैटेगरी वाइज अभी हम नहीं बताएंगे, ये जनरल का कटअप हम बोले, कैटेगरी वाइज जब मैं एग्जाम दे के आऊँगा सब विद्यार्थी से मिलूँगा तब उनका नंबर मार्क्स बताऊँगा। एक बात और, अब तो कोई जो क्वेश्चन का डिस्कशन करा देता ये थोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि पहले एक सेट होता था तो बहुत विद्यार्थी को 40-50 क्वेश्चन याद रहता था, आके बता देता। जिला वाइज अब अलग अलग है, अब किस जिला का क्वेश्चन डिस्कशन कराएंगे इसका खुद किसी को समझ में नहीं आता, इसलिए कुछ अच्छे किसी को हम भी 40-50-45 क्वेश्चन को दिए हैं यूट्यूब चैनल पर, आप देख लीजिएगा सही एकदम सटीक आंसर है। तो उसी तरह का आप तैयारी करिए, बाकी लन लिफाफ के चक्कर में नहीं पड़ना है, जितना दिन भी बचा है एग्जाम की तैयारी करिए। मैं बता दूं कि इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़िएगा, जितना सेट बनाया है उसको रिवाइज कर जाइए, अगर आपके पास रेलवे का सामान्य ज्ञान है एसपीडी है तो उसको रिवाइज कर जाइए, लुसेंट को रिवाइज कर जाइए, इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला, कोई किसी भी एग्जाम में नहीं जाता, तो इस भी एग्जाम में नहीं जाएगा। और कटअप की बात करें तो इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाने वाला, क्योंकि आयोग तो खेला कर दिया, मुन्ना भाई तो खास हो गए, मुन्ना भाई से कह दीजिएगा जो आपके पास आसपास जो भी मुन्ना भाई होंगे उनको कह दीजिएगा कि अब वो अपना धंधा बदल ले, अब इससे उनका रोजी रोटी नहीं चलने वाला है। अभी एग्जाम जो है, अब जो भी एग्जाम होगा इससे पहले बीपीएससी टायर 3 का देख लीजिए, टीयर 3.0 का, उसमें भी सरकार एकदम से एक भी क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होने दिया, एकदम सख्ती से पेश हुआ, मतलब पूरा टाइट। उसी तरह इस बार बिहार पुलिस का 7 तारीख को देखने को मिला, भगवान करे कि ऐसा ही ले, आगे भी ऐसा ही हो, आगे जो भी एग्जाम होना 11-18 जो भी है डेट उस पर भी ऐसा ही एग्जाम ले। एक बात बता दूं कि अभी ऐसा माहौल हो गया है चुनाव को लेके, उसके बाद अभी जो लोकसभा 18वीं लोकसभा चुनाव था उसको लेके, तो सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का रखा गया, बेरोजगारी का। तो संसद से लेके विधानसभा से लेके जो है सांसद वहाँ तक प्रश्न पत्र के लीक के बारे में चर्चा, बेरोजगारी के बारे में चर्चा उठ रहा है। तो बात तो आवाज़ अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं कहीं आग तो लगी ही होगी, ये बात है। अगर मान लीजिए धुआं उठ रहा है तो कहीं कहीं आग लगी होगी, तो इसको बुझाने के लिए सरकार हर सक प्रयास करेंगे जो ऐसा नहीं, ठीक है। और बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हैं और आपकी योग्यता को नहीं पहचाना जा सकता, ये मतलब कतई सच है कि कह सकते हैं कि आपके आपसे कमज़ोर जो भी स्टूडेंट है उनको नौकरी हो गया आपको नहीं हुआ तो बहुत तकलीफ होती है, आपके पड़ोसी में कोई जॉब हो गया आपसे कमज़ोर पढ़ने में, फिर आपके माता पिता को भी तकलीफ होती है, उसके बाद अन्य जो भी है ताना सुनने को मिलता है, ढेर सारी बात आप लोग समझते ही होंगे। आप लास्ट में एक बात बता दूँ कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और एक बात और बता दूं कि इस पर जो भी हम जानकारी देते हैं ना वो सही रहता, सटीक रहता। और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। जय हिंद।